हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज आज 9 अप्रैल 2023। इसमें देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बस हेडलाइन डिस्कस करते जाएंगे। और क्योंकि एग्जाम का इसमें पीरियड चल रहा है तो दैट्स वाई नॉट पॉसिबल टू गो द डेप्थ में, बस हम वो डिस्कशन करेंगे जो हमारे अपडेशन के लिए काम पे आ जा सके। जैसे कि हम जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स ना आए कि नहीं हमें हमने ये चीज़ नहीं किया है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, देखिए इम्फाल जो कि मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक पार्ट पड़ जाता है, जो मणिपुर है, एक सेकंड थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट पड़ता है उसका वो एक स्टेट है अपना, हम एक इंडिया का। और ये सेवन सिस्टर जो स्टेट आते हैं उनमें से एक ये है इसका, जो कि बर्मा मणिपुर से इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है। अभी हाल ही में वहाँ में हुआ है ये वहाँ पे मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि जो कम्युनिटी थी, मतलब वहाँ पे कुछ इस तरह के वायलेशन किया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि वहाँ की जो हाई कोर्ट थी उसने ऑर्डर दे दिया कि ये जो मैती कम्युनिटी है उसको एसटी स्टेटस दिया जाए। उसके अगेंस्ट में जो अदर कम्युनिटी थी जो एससी में थी वो कहती थी कि अगर इनको एससी का स्टेटस मिल गया तो ये ऑलरेडी ही एडवांस है और भी एडवांस हो जाएंगे, और बाकी जो डिसएडवांटेज में है उनको जो कि काम नहीं, उनको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उसी के चक्कर में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मणिपुर का जो डिसीजन आया उसके बाद जो है कि यहाँ पे वायलेशन हो गया। और बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत से चीज़ें, क्योंकि इंडिया का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है। वहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या जियोफिजियोग्राफिकल रीजन है बहुत ही पोरस है, या इस तरह से कहते हैं कि जो फुटबॉल या स्टेडियम ग्राउंड होते हैं उस तरह के, मतलब चारों ओर हिल होते हैं और बीच में प्लेन एरिया है, ठीक है। और जो पूरे स्टेट का जो प्लेन एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20% करता है और 90% जो पॉपुलेशन को डोमिनेट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अभी यहाँ अमित शाह ने कहा, जो हमारे होम मिनिस्टर, इन्होंने कहा कोर्ट ऑर्डर विल डिस्कस विद ऑल स्टेक होल्डर। देखिए अभी ये बात मतलब कि ये कृष्ण के नाम से जो कि एक कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई है, वो ये देखेंगे जो एससी मतलब कम्युनिटी होती है वो जो इसे हिंदू होती है या फिर जो कम्युनिटी है अगर वो अपना रिलीजियस चेंज करके इस्लाम या फिर क्रिश्चियन में चलिए, क्या उनको वही बेनिफिट वही एससी स्टेटस या एसटी स्टेटस का जो कि मिल सकता है या नहीं मिल सकता है उसको लेकर के। लेकिन इनका जो कमेंट है ये मणिपुर को लेकर के, जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस पर ये देखेंगे कि मतलब क्या इसे डिसीजन कितना इसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है, क्योंकि लास्टली जो होता है मतलब लॉ को बनाने का जो कि काम होता है, वर्क होता है, ड्यूटी होती है, वो जो कि पार्लियामेंट की होती है। बस जो जुडिशरी होती है उसका चेक एंड बैलेंस करने का एक पावर होती है। बेवार ग्लोबल स्टेट ऑफ बिल वोर के सुप्रीम जो कि निर्मला सीतारमण ने कहा है। फिर उसके बाद देखिए अभी जो दिल्ली के चीफ अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्राइवेट एग्रीगेटर को रन करने के लिए प्रीमियम बस इन सिटी में परमिशन दे दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी चलते हैं। यहाँ पे देखिए केरला में क्या हुआ है कि एक जो कि बोट जो मतलब कोलैप्स हो गई है, और वहाँ पे जो है कि इस तरह से मतलब कि इंसिडेंट हुए, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है, तो उसको जुडिशरी को बोलने के लेकर के जो वेस्ट रेसलर हैं या फिर बोल सकते हुए जो मतलब कुश्ती लड़ते हैं, ओलंपियन हैं, यहाँ जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ इशू को लेकर के, उसमें जो कि किसान जो है कि अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर क्रिएट डिवाइड द बैनी बैनिंग द ट्राइंग द क्रिएट डिवाइड। और उसके बाद तिरुमलब टेम्पल है जो तिरुवनंतमलम में पड़ता है, उसको लेकर के लगाया गोज तो वायरस को लेकर के। फिर उसका ये शशि थरूर है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े ही लीडर हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल, ये IFS भी रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जॉब किए हैं। फिर उसके बाद जो कि विदेश में स्टेट फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। चाइना की स्ट्रेटजी को लेकर के इन्होंने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद इंडिया का जो सॉफ्ट पावर होता है, देखिए जो वर्ल्ड में लोग पावर को डिवाइड करते हैं वो एक हार्ड पावर होता है और एक सॉफ्ट पावर होता है। हार्ड पावर में जिसे मिलिट्री को यूज किया जाता है जैसे USA करता है, सॉफ्ट पावर में आपका स्पोर्ट्स को यूज किया जाता है, रिलीजियस को किया जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को किया जाता है। तो जो सॉफ्ट पावर की बात की जाती है तो उसमें इंडिया का काफ़ी जो कि डोमिनेंस है और काफ़ी अच्छे से करता है। तो उसमें बुद्धिज्म जो रिलीजियस आती है सॉफ्ट पावर में, बुद्धिज्म को अगर आप देखें तो जो एशिया के कंट्री जितने हैं, जैसे साउथ एशिया हो या साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हो, ईस्टर्न एशिया, जापान, साउथ जो जापान है उसमें जो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है उसको लेकर के ये है। मॉइस्ट स्टील हार्ट
को लेकर के इन्होंने कहा है, मोस्ट जो कि रेड कॉरिडोर पे जो पाए जाते हैं। फिर मणिपुर बर्डन को लेकर के है, शार्प डिवाइड द कम्युनिटी हिल और प्लेन एरिया में लेकर के है। फिर लैक ऑफ द ड्रग्स रेगुलेशन लॉ को लेकर के, क्या कोई प्रॉपर ऐसा लॉ बना है जो कर सकता है। फिर उसके बाद जो मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी रेगुलेटिंग रेगुलेशन 2018 है, इसके अनुसार क्या जो फूड होते हैं उसमें जो एडवर्टाइज किए थे क्या किस तरह से प्रॉपर तरीके से वो काम करेंगे। हमें नेशनल NFSS से AI है, नेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेटरी बॉडी है, इसका ये वर्क है कि सेफ्टी नॉर्म्स को जो कि मेंटेन करके रखना। फिर उसका माइक्रो टारगेटिंग कैंपेन क्या कैसे वॉलंटरी को इफेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तो बड़ी कैंपेन पे चलता है जैसे मोदी, फिर उसके बाद कांग्रेस के जो कि लीडर्स होते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे होता है कैंपेन वो किस तरह से जो कि इन्फ्लुएंस करता है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है। फिर उसके बाद इन द न्यूज क्वाड मिड US सऊदी अरेबिया डिवाइड डिस्कशन द इंफ्रास्ट्रक्चर गल्फ को लेकर के है। क्वाड क्या है, क्वाड एक तरह से जो कि वो है बोल सकते हो, ये देखिए क्वाड वो नहीं है जो हम डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट में, जो कि इसमें ये क्वाड अगर बात करें तो दो तरह के क्वाड बन गए हैं। क्वाड एक तो जो कि हम चार कंट्री ग्रुप है उनको देखते हैं, जैसे इंडिया है, USA है, फिर उसके बाद जो कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड U2I2 करके है, ठीक है। इसका मतलब है UAE है, फिर उसके बाद जो है कि USA है, प्लस इंडिया है, ईरान, इसको लेकर के है ये क्वाड। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मणिपुर को लेकर के, फिर वहाँ पे जो आया हुआ है कर्फ्यू रिलैक्सेशन इधर मणिपुर में है। फिर उसके बाद SC जो ट्राइबल स्टेटस को लिस्ट को लेकर के है कि मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होते कि शेड्यूल ट्राइबल्स को लिस्ट इन करें, ये चीज़ करें। फिर उसके बाद अभी देखिए कुनू नेशनल पार्क जो पड़ता है हमारा MP में पड़ जाता है, ये याद होना चाहिए। अभी पता है कि नामीबिया से कई चीता को रिलोकेट किया गया था कुनू MP नेशनल पार्क में, लेकिन उसमें से दो की डेथ हो गई है। अभी प्लान है कि प्री मानसून आने से पहले कुछ जो चीता है 5 उनको जो है रिलोकेट किया जाएगा। फिर उसके बाद स्कैम एक्सपो द परचेक द डीजल रेलवे फ्रॉम द नेशनल मेजोरिटी। फिर लो प्रेशर की वजह से जो कि साइक्लोन क्रिएट हुआ है, फिर मॉर्फिक की जगह जो कि बंगाल में सेंट्रल एशियन लीडर्स हैं उनका जो कि मीटिंग चली, सेंट्रल एशियन लीडर वो आते जो SCO के पार्ट ऑफ द SCO हैं। फिर उसके बाद आसियान मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि साउथ चाइना सी में की गई थी इंडिया के साथ, उसको लेकर के। फिर उसके बाद इंडेक्स राइज द बैंक स्टॉक को लेकर के है। फिर उसके बाद RBI का जो क्या बोलते हैं गोल्ड रिजर्व है वो जो कि इसमें 795 जो कि टन 2023 में हुआ है, कि कोल इंपोर्ट जो किया जाता है इंडिया के, मोस्टली कोल को जो कि इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया का जो कोल है उतना एफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए। फिर इसके बाद हर इंडियन एक्सप्रेस में देखिए पुल आउट द सुप्रीम जो 60 MP लिस्ट है, देखिए जो कि असेंबली जो स्टेट असेंबली है जो मणिपुर में, वहाँ पे 60 जो है कि आपका असेंबली सीट्स है, वहाँ पे जो वायलेशन हुआ लेकर के सॉवरेनिटी को लेकर के वो अलग चीज़ आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बस हम अपडेशन के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है। जॉबलेस रेट नेशनल एवरेज शेड्यूल तो मणिपुर को लेकर के है। फिर उसके बाद ये जो बीरन सिंह करके हैं, इनका जो कि सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनना, वही जो कि उनके लिए हो सकता है कि लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोलैप्स जो बोट कोलैप्स हो गई यहाँ पे क्या बोलते हैं केरला में, उसको लेकर के। कुनू नेशनल पार्क में जो कि टाइगर चीता को जो कि रिलोकेट किया जाएगा मानसून प्री मानसून से पहले। फिर उसके बाद अराइज द फ्लैग न्यू स्टेशन इन उड़ीसा में है, न्यू स्टेशन को जो कि लेकर के किया जा रहा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिजर्व जजमेंट प्ली अगेंस्ट एक्सट्रैडिशन एनफोर्समेंट डायरेक्टर टेन्योर को लेकर के है, बहुत सी स्टेटरी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको जो है कि चीफ जस्टिस को लेकर के, मतलब उनके जो हेड होते हैं उसको लेकर के। फिर चंडीगढ़ में फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अनसीजनल स्नोफॉल इन हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और उसे जो कि लाइफ की वहाँ की जो कि अलग तरीके की रुख में बदल ली है। फिर मणिपुर को लेकर के मार्जिनलाइज इनसिक्योरिटी को लेकर के इन्होंने बोल रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, इसमें क्या देखें तो देखिए मिसिंग इन द इलेक्शन जो मतलब केरला कर्नाटका में भी इलेक्शन असेंबली का हुआ है, 13 तारीख को हो सकता है फाइनल रिजल्ट आए। फिर उसमें ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंटी उसको लेकर के बात नहीं हो रही है, हमेशा लोग जो कि एक अलग तरीके की बातें करते हैं। फिर उसके बाद अब विक्टोरी डे और जो कि यूक्रेन जो कि सेलिब्रेट कर रहा है। फिर न्यू फील्ड ऑफ चाइना इन द रिलेशन ऑफ द पाकिस्तान को लेकर के है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते जो SC स्टेटस को लेकर के है, मणिपुर में वायलेशन उसको जो कि आया हुआ है, कर्नाटका की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, अर्बन लीग को लीग के बारे में बात की गई है। ये था हमारा आज का बेसिक डिस्कशन इकोनॉमिक में इंश्योरिंग फिजिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा तो गोल्ड रिजर्व करेगा। ये तो हमारा आज का बेसिक डिस्कशन था। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो
और अभी तक बस अपडेशन में रहेंगे, लास्ट में हम जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जो कि हम डिस्कस करेंगे पूरा इन डेप्थ में, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।